पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बाजारात 500 आणि 1000ची नोट बंद होणार असल्याचं सांगितलं, पण ही नोट का बंद होणार यामागची कारणे काय याबाबत मोदींना 2013 मध्ये पुण्यातील अर्थक्रांती या साप्ताहिकाचे अर्थतज्ञ अनिल बोकील यांनी चर्चा रूपातून सांगितले. रिझर्व्ह बँकेशी याबाबत सल्ला मसलत केल्यानंतर मोदींनी अखेर हा निर्णय जाहीर केला आणि खऱ्या अर्थाने प्रवास सुरू झाला तो काळ्या पैशांवर निर्बंध घालण्याचा. देशात सध्या सर्वत्र महागाई वाढली असून सर्वसामान्यांचा बजेट कोलमडलाय. पेट्रोल, डिझेल, अन्नधान्याच्या किमती वाढतात. अशा अनेक गोष्टींना भारतातल्या नागरिकांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे गरीब हा गरीबच राहिलाय तर श्रीमंत हा श्रीमंत होत गेला. मग यावर उपाय करण्यासाठी पुण्यातील अर्थक्रांती ही संस्था गेल्या 8 वर्षापासून काम करतीये. यावर त्यांनी 56 प्रकारचे विविध टॅक्स मागे घेणे, 1500च्या नोटा बाजारातून रद्द करणे, कॅश ट्रान्झॅक्शनसाठी मर्यादा घालणे, सर्व मोठ्या रकमेचे व्यवहार चेक DD ऑनलाईन होणे गरजेचे आहेत. देशातील 78% जनता दररोज 20 रुपये खर्च करतात, मग त्यांना 1000 नोटेची गरज काय अशा पद्धतीचे उपाय मोदी समोर अनिल बोकील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मांडलेत. जो हमारा टीम हम जो काम कर रहे हैं ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, हम एक ग्रुप है जो देश की इकोनॉमी पे और सोशियोलॉजी पे काम करते हैं और ये कंसर्न लोग हैं, बाकी कुछ भी नहीं है. तो अभी इसमें क्या है, 2000 में ये पेपर में पहली बार पब्लिश हुआ है, मराठी पेपर है सकाल, उसका अर्थ मंथन नाम का एक वीकली निकलता है 2000 में, अप्रैल और मई के 2 इसमें वो आया था और वहीं से वही प्रस्ताव है. इसमें अर्थक्रांति के जो प्रपोजल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है. तो इसमें ये 2 मुख्य अंग है उसके, कि एक जो इतना देश में काला पैसा बन रहा है उसकी जो जननी है वो हमारी करप्ट टैक्स सिस्टम है, कर प्रणाली, तो उसको पूरी तरह से हटाई जाए, यानी वो काला पैसा बन ही नहीं पाए. और दूसरी चीज़ है ये जो गलत पैसा जो बनता है, जो अपराध से निकल के आता है और अपराध को और बढ़ावा देता है, क्राइम को, तो वो चलता है, उसका जो सर्कुलेशन होता है वो बड़ी नोटों में होता है, क्योंकि वो हैंडल करने को ईजी होता है और उसके फुटप्रिंट भी नहीं रहते. कैश ट्रांजेक्शन के जो व्यवहार होते हैं, ट्रांजैक्शंस, उसके फुटप्रिंट नहीं रहते, इसलिए वो नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं. तो हमारा ये सजेशन था कि ये दोनों चीज़ होनी चाहिए. आपको काले पैसे का जो जननी है उसको आप ख़त्म करो, और दूसरी वो जो अभी क्राइम का जो पैसा आ रहा है, अपराध का पैसा, उसको चलना मुश्किल करो. अगर बैंक के थ्रू आपके व्यवहार होने लगेंगे तो उसकी ट्रेसेबिलिटी आ जाती है, डेबिट एंड पे, क्रेडिट एंड पे, सभी जगह उसकी एंट्री आ जाती है, वो अकाउंटेबल हो जाता है. तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ये कैश ट्रांजैक्शन कम होना बहुत ज़रूरी था, और हमें 16 साल से ये कर रहे हैं, तो इतने बड़े प्रवास में इसको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है. आज के जो बड़े जो राजनेता है वो सब इसको मान चुके हैं और उनका सपोर्ट भी है. लेकिन एक ऐसी बात है कि इसको जो बड़े अर्थशास्त्री है वो मानने को अभी तक उन्होंने कुछ रिएक्शन ही नहीं दी, ना तो उन्होंने उसको गलत कहा ना तो उसने सही कहा, वो ऐसे बैठे रहे. तो फिर अभी पॉलिटिकल डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उतनी डिसेसिव ताकत और क्लियर मैंडेट अभी तक नहीं आया था. हमें मोदी सरकार में ये दोनों चीज़ लग रही है, एक तो वो करेज भी है और दूसरे क्लियर मैंडेट है उनके पास. अगर इसके पहले वाले ये सोच भी लेते थे प्रधानमंत्री कि हमें करना है, तो उनके पास ये क्लियर मैंडेट नहीं था, तो वो शायद वो कर नहीं पाते थे. कि ये एक तो बड़ी यानी बड़ा ये सरकार ने ये उठाया है और ये बहुत ज़रूरी है. इसके देखो एक बड़े बीमारी का इलाज हो रहा है, तो थोड़ी तकलीफ तो शुरू में होगी, लेकिन ये तकलीफ होने वाली वो बीमारी की वजह से नहीं है. अभी वो बीमारी का जो उपचार चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा देर होगी, लेकिन इसका क्योर होने के बाद बहुत अच्छा होगा, फिर अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ होगी. इतनी किसानों की आत्महत्या हो रही है, इतने युवा बेरोजगार है, इतना करप्शन बढ़ा है, ये बहुत बड़ी और बहुत गंभीर बीमारियों के साथ हम लड़ रहे हैं. तो इसकी दवा शायद पहले कड़वी लगेगी, लेकिन वो दवा है, वो और ये नहीं बढ़ाएगी, वो 100% इसमें ये करेगी. अभी ये 50% कदम उठाया है सरकार ने. अभी हमने कहा जो टैक्स प्रपोजल जो था उसमें सरकार को ऐसा लगा है कि GST जैसे छोटे इस मरहम से इसका ये होगा, हमें नहीं लगता है. तो हमें लगता है कि शायद ये पूरा प्रपोजल हमारा आएगा कि हमने कहा है कि पूरे टैक्स सिस्टम निकाल ही दो, सिर्फ आयात कर छोड़ के, यानी इम्पोर्ट ड्यूटी, क्योंकि वो एंटी डंपिंग का काम करती है. बाहर से अगर बहुत ज़्यादा चाइना का मटेरियल आ गया तो हम हमारे उद्योग को, खेती को बचाने के लिए उसको बढ़ा के कस्टम ड्यूटी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बाकी टैक्स ही मत रखो, और एक ऑटो टैक्स लगाओ जिसमें बैंक ट्रांजेक्शन पर ऑटोमेटिक टैक्स जाएगा, और वहीं से बैंक से ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल बॉडी को जाएगा,
और ये सब करने के लिए बैंक को भी थोड़ा सा सर्विस चार्ज यानी कमीशन मिलेगा। ये बताइए कि अभी आप जैसे गडकरी जी का तो आप देखेंगे कि जो अभी मोदी सरकार में एक अहम पद पे भी है, वो 2002 से लेके उसके पहले से भी वो जानते हैं इसको और वो तब से परस्यू भी कर रहे हैं। यानी तब से देखो ये मीटिंग तो हमारी एन नंबर चलती रही, प्रेजेंटेशन होते रहे और सब बांधते गए, हमारे भी स्टडी चलती रही, उसको बैकअप देते गए, हम बाहर से भी डेटा कलेक्ट करना, अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, नेशनली इंटरनेशनली उसके ओपिनियन लेना, ये तो एक प्रोसेस जो था वो जो हमारा प्रपोजल है उसको इतना पुख्ता करना, इतना परफेक्ट करना, इसके लिए तो हमारा भी चल ही रहा था। इसमें हम सब लोगों से मिल ही रहे थे, बड़े पॉलिटिशियन सभी पक्ष के, और हमें एक तो कहने में तो ये भी एक अच्छा भी लगेगा कि हमारे पॉलिटिशियन बहुत सेंसिबल भी है, कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। हाँ वो ये इतना जरूर बोले कि ये बहुत बड़ा कदम है, इसको उठाने के लिए बहुत ये चाहिए। लेकिन हमारा एक छोटा ये प्रॉब्लम भी इसमें हमें दिखाई दिया कि इसमें जो विचारवंत होते हैं वो बहुत प्योरिटी के होते हैं, प्योरिटी कॉम्प्लेक्स है उनमें, इसलिए उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि गलत है या सही, ये पहले बताएंगे ये सही है, लेकिन ऐसा हो गया तो फिर ये उल्टा ही हो जाता है। तो फिर जो भी पॉलिसी अगर लेनी है गवर्नमेंट को तो उनको एक स्ट्रांग कॉन्फिडेंट ऐसा ये चाहिए, ये हमारे देश। हे सर्व मुद्दे बोकील यांनी शरद पवारापासून ते राहुल गांधी, अर्थतज्ञ, विविध उद्योग समूहाचे प्रमुख यांच्याशी याबाबत चर्चा केली आहे, पण राजकीय लोकांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय। देशामध्ये 1,000 आणि 500 नोटा रद्द करणे हा निर्णय घेण्याची धमक कोणत्याच राजकीय पक्षाला त्यावेळी घेता आली नाही असं बोकील हे सांगतात। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर बोकील यांच्याशी 2 तास चर्चा केली। रिझर्व्ह बँकेशी याबाबत सल्लामसलत केल्यानंतर मोदींनी अखेर हा निर्णय जाहीर केला, त्यामुळे अर्थक्रांतीच्या या प्रयत्नांना अखेर यश आलंय। आताही घेतलेला आहे सिक्वेन्स आमचा त्यांचा बदलला आहे। आम्ही आधी टॅक्स अबोल्युशन सांगितलं होतं आणि पॅरलली आम्हाला करन्सी हे कॉम्प्रेशन अपेक्षित होतं, पण सरकारने आता वेगळेच डिसिजन घेतले आहेत, कारण GST एक वेगळा रूट घेतलेला आहे, पण हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे, म्हणजे 50% सरकारने हे स्वीकारलं आहे। हां आता याच्यात खूप लोकांना हा प्रॉब्लेम आहे की 2,000 नोट काढली आहे, मग 1,000 नोट तुम्ही छोटी करायची म्हणतायत आणि हे काय करताय 500 आणि 2,000 नोट, हे फक्त तात्पुरता इलाज आहे। म्हणजे जसा एक मोठा रस्ता जेव्हा दुरुस्त करायचा असतो तेव्हा डायव्हर्शन दिलेलं असतं काही काळासाठी, कारण ट्रॅफिक बंद करता येत नाही, म्हणून या 2,500 नोटा काढलेल्या आहेत। आणि योग्य वेळेनंतर जेव्हा आर्थिक आपले व्यवहार जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक आणि बँकेच्याकडे शिफ्ट होतील तेव्हा 2,000 नोट आणि ही निश्चित बंद होणार आहे। ती स्टॉप गॅप ॲडजस्टमेंट आहे, ही स्टँड बाय अरेंजमेंट आहे, हे लोकांच्या लक्षात यायलाच हवं। की जे राजकीय नेत्यांची संवेदनशीलता होती, पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स, शेवटी कसं असतं की शेवटी एक्झिक्युशन पॉलिटिशियनच करत असतात, पण म्हणजे लॉ मेकर्स किंवा संसद, पण असा गोंधळ होता की त्यांना जो सपोर्ट लागतो विचारवंतांच्याकडनं की हे खरंच तितकं शुद्ध आहे त्याच्यावर कुणी विचारच देत नव्हतं, ते होय नाही आणि रिजेक्टही नाही, दोन्ही नाही, ॲक्सेप्ट आहे नाही, रिजेक्ट आहे नाही, चूक आहे हेही सांगत नव्हते, बरोबर आहे हे सांगत नव्हते। कारण काय होतं माहिती का, प्रत्येकजण आपल्याला एक कम्फर्ट झोनमध्ये असतो, माझं करिअर, माझं हे, मग माझे क्रेडेन्शियल्स स्पॉईल होतील हे जर चुकलं, ही भीती असण्याची शक्यता आहेच, विचारवंताला फिअर ऑफ फेल्युअर जास्तच असतं तसंही, म्हणून नाही थांबलं, हे पण एक कारण आहे। थांबलं ते शेवटी नव्हतं, त्याचं 2 कारण अजूनही होते की तंत्रज्ञानाची एवढी प्रगती पण झाली नव्हती, बँक व्यवस्थेचा हा जो स्प्रेड आज जो दिसतोय इंटरनेट आणि मोबाईल बँकिंग आणि हे सगळं आत्ता घडलं आहे, कदाचित त्यावेळेला वेळेचा पण सपोर्ट नव्हता। प्रतिनिधी रोहन गवळी, ब्युरो रिपोर्ट, पुणे मेट्रो, पुणे।